सलाम नमस्ते हेलो केम चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए भाई प्यूसर पे तो दोस्तों हम लोगों की वीकली करेंट अफेयर की क्लास पूरे सप्ताह का निचोड़ का सेकेंड पार्ट दोस्तों यहाँ पर आ चुका है सभी लोग दोस्तों जो है फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों कल हम लोग ने वीकली करंट अफेयर की क्लास करी थी आज उसका सेकंड पार्ट है दोस्तों तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जीए बाई प्यू से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले दोस्तों आप लोग और सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी दबा ले क्योंकि भैया ये है जी ए जी के जी एस का वन स्टॉप सेंटर और दोस्तों सेलेक्शन यहीं से होगा यहीं से होंगे दोस्तों आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी परसों के आई वी मेंस में भाई साहब हमारे स्टूडेंट्स ने जो झंडे फहराए हैं और हमारे लास्ट के दो दिन के जो सेशन्स में जो जो है दोस्तों कीर्तिमान रचे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बेस्ट टू हंड्रेड जिस सेशन से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे ये रात को नौ बजे होती है दोस्तों ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए तो दोस्तों यहां पे मेरी डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास छह बजे सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे होती है ये यहां से शिफ्ट होके सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे चली गई ओके दोस्तों गेम चेंजर बैच में आपको पूरे बैंकिंग के बैचेस मिलते हैं ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो टॉप टेन फिनेंशियल टर्म्स की सीरीज होती है ओके चलिए तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों और एक बार विजिट करिए सिक्स मंथ करेंट अफेयर मैराथन कैप्सूल हर चीज स्टडी जी के स्कीम्स आरबीआई पे स्पेशल मैंने सीरीज की थी अभी परसों ग्यारह बजे वो देखिए एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइए शुरू करते हैं दोस्तों सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है दोस्तों सारंग बुसान में भारतीय दूतावास द्वारा इंडियन एम्बेसी द्वारा दक्षिण कोरिया में भारतीय फिल्म महोत्सव सारंग का दोस्तों उद्घाटन किया गया है दोस्तों बुसान शहर में ही बुसान यूनिवर्सिटी में इंडिया सेंटर की जो है की शुरुआत की गई थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए साउथ कोरिया की कैपिटल दोस्तों सियोल है सियोल ओके और दोस्तों वॉन इसकी करेंसी है वॉन नॉर्थ कोरिया की भी करेंसी है दोस्तों बुसान में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ओपन होने जा रहा है तैरता हुआ शहर फ्लोटिंग सिटी बन रही है दोस्तों जिसका नाम है ओसियनिक्स सिटी इन्होंने दोस्तों नारो थी थी स्पेस सेंटर से नूरी सेटेलाइट भी लॉन्च किया था दोस्तों आयुष मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में पहले कुछ हेडलाइंस देखेंगे उसका एम सी हम लोग का शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आयुष मंत्रालय ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में अकादमिक पीठ की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों एकेडमिक चेयर की स्थापना की घोषणा की है सिडनी यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ठीक है आयुष मंत्रालय दोस्तों आयुष मंत्रालय जो है सर्वानंद सोनेवाल जी के पास है आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी ठीक है दोस्तों प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया इकहत्तर हजार लोगों को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट्स दिए गए 22 नवंबर को सुबह साढ़े दस बजे दोस्तों असम की प्रमुख संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया किससे सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ अर्थ से सम्मानित किया गया ओके दोस्तों स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंचेस्टर यूनाइटेड से नाता तोड़ लिया है क्लब द्वारा 22 नवंबर को इस खबर की घोषणा की गई स्टार फुटबॉलर रेड डेविल्स के साथ आपसी समझौते पर पहुंचने के बाद तुरंत मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया है ठीक है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पांच वर्ल्ड कप में गोल करने वाले स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 21 नवंबर को सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है फिल्म बाजार का उद्घाटन किया अब शुरू करते हैं दोस्तों एम सेशन एम सेशन जो है हाँ मेरे टे टेलीग्राम पे मिल जाएगी अभी मैं आज भेज दूंगा ठीक है आरजे ओके दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के पहले इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों कहाँ पे किया गया है तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है इन मार्कों में ठीक है मार्को 2022 क्या है इंटरनेशनल मेरी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है दोस्तों इसका पूरा नाम इन मार्को का दोस्तों ये जो है किसने लॉन्च किया है तो दोस्तों ये सर्वानंद सोनेवाल जी ने लॉन्च किया है ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं यही आयुष मिनिस्टर हैं यही पोर्ट सिपिंग और वाटर वे मिनिस्टर भी हैं यही ये दोनों हैं दोस्तों ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने सागरमाला कार्यक्रम की बात कही है इसके तहत ये पहल की जा रही है ठीक है दोस्तों अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी इन ले, वो गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटर वे का उद्घाटन वाराणसी में किया था जब आसाम से वाराणसी तक चलने वाले हाइड्रोजन से चलने वाले शिप का जो है काम कोचिन शिपयार्ड को दिया गया था बनाने का दोस्तों किस राज्य में बुद्ध वनम अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क शुरू किया गया है तो दोस्तों यह जो है तेलंगाना में शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों किस संगठन ने हाल ही में प्रमुख हाइलाइट्स के साथ एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत की जीडीपी क्वार्टर टू फिनेंशियल ईयर 23 में 6.1 और 6.3 परसेंट के बीच में बढ़ने की उम्मीद है और 2022-23 में जो भारत की टोटल जीडीपी ग्रोथ है वो 7 परसेंट रहेगी तो 7 परसेंट तो दोस्तों आरबीआई ने ही कहा है अभी इनकी रिपोर्ट क्वार्टर वाली भी आई है तो ये यहाँ पे क्वार्टर की रिपोर्ट है कि 6.1 से 6.3 के बीच में रहेगी आरबीआई की दोस्तों स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट है जो अभी रिलीज हुई है नवंबर बुलेटिन के पार्ट के रूप में नवंबर बुलेटिन के पार्ट के रूप में आरबीआई डॉटर पे जाओगे तो हर महीने की बुलेटिन आपको मिलती है दोस्तों नवंबर 2022 में जारी गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की जीडीपी में 6.9 परसेंट की वृद्धि से 2023 में घटकर कितने हो जाने की उम्मीद है तो सीधे दोस्तों 10 परसेंट कम किया जा रहा है यानी 5.9 परसेंट जो है दोस्तों घटकर हो जाएगी 5.9 परसेंट दोस्तों घटके हो जाएगी ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अगर जी फोरकास्ट को देखा जाए तो दोस्तों यहां पे गोल्डमैन सैक्स की जो जीडीपी फोरकास्ट है वह फाइव परसेंट वर्ल्ड बैंक की है दोस्तों 6.5 परसेंट दोस्तों 6.8 है एस की और आई की दोस्तों 7 परसेंट है आर की क्रिसिल की मूडीज की एशियन डेवलपमेंट बैंक की फिच रेटिंग की और फिक्की की दोस्तों इन सब की जो है जीडीपी है फोरकास्ट सेवन परसेंट सेवन परसेंट ओई ने सिक्स पॉइंट नाइन से सिक्स पॉइंट सिक्स कर दिया है एनएसओ ने शुरुआत में ही 8.7 कहा था अब की नहीं पता मॉर्गेन स्टेनली ने 7.2, पॉइंट ने 7.2 कहा है अंकटाड ने 5.7 और स्टैंडर्ड पुअर ने 7.3 परसेंट दोस्तों यहां पे कहा है ओके okay, क्लियर है याद रहेगी सभी लोगों को बात वेरी गुड दोस्तों नेशनल गेम दिया जाने वाला है तीस नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा 30 नवंबर को दोस्तों टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल अचंता ये एकमात्र खिलाड़ी है दोस्तों जिनको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान है भारत का पिछली बार बारह लोगों को दिया गया था इस बार मात्र एक आदमी को अभी तक देखा जा रहा है कि इन्हीं का नाम चल रहा है अर्जुन अवार्ड दोस्तों दिया जाएगा 25 लोगों को 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा जरीन और एल्डोस निकहरी जैसे आ, बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी को क्रिकेटर को नहीं दिया जाएगा किसी भी क्रिकेटर को नहीं दिया जाएगा कोई क्रिकेटर बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो इन लोग को नहीं दिया जाएगा कोई सम्मान बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के जो दो, है दोस्तों इन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में ड्रोनाचार्य अवार्ड दिया जाएगा ड्रोनाचार्य अवार्ड दिया जाएगा ठीक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सी कैटेगरी में यह गलत है यह डी वाला गलत है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों इकतालीस डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन कोच और एंटिटीज को छह कैटेगरी में राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में तीस नवंबर को यह सम्मान दिया जाएगा दोस्तों ठीक है मनिका बत्रा के बाद शरद अहिंता कमल दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी होंगे जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो लोग खेल को प्रमोट करते हैं उन संस्थाओं को दिया जाता है ठीक है तो यहां पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं पे भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम नहीं है आई आई आइडेंटीफाइकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग एंड यंग टैलेंट का अवार्ड ट्रांसटेडिया इंटरप्राइज को मिल रहेगा इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट थ्रू सी एस आर ये कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिलेगा यानी कि ये जो सी एस आर कैटेगरी में बोल रहे थे कि खेल को प्रमोट किया जा रहा है इंडियन ऑयल को नहीं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को ये इसका सही आंसर है लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट का अवार्ड दिया जाएगा ठीक है इसकी स्कीइंग इस होती है ना उसके लिए ओके तो दोस्तों इस पर मैं एक सेशन भी बना करके डाल दूंगा तीस नवंबर के पहले ही कि किन किन लोगों को यह अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी रिकॉर्ड चौबीसवीं बार किस विश्वविद्यालय ने जीती है तो दोस्तों ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती है किसने जीती है मेरे भाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती है ओके मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसी न किसी यूनिवर्सिटी को ही मिलती है 11 नवंबर को इनका बर्थडे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए क्यों मनाया जाता है इनके बर्थडे पर हम लोग नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाते हैं फटाफट बताइएगा मेरे भाई ठीक है फटाफट बताना है आपको तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने पूरे भारत के स्कूलों को कितने स्कूलों को दोस्तों स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है दोस्तों इन्हें थर्टी नाइन थर्टी नाइन स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया गया ठीक है क्लियर चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त थर्टी नाइन विनर्स में से अट्ठाइस गवर्नमेंट के हैं और ग्यारह प्राइवेट स्कूल हैं दोस्तों ग्यारह प्राइवेट स्कूल हैं तीन केंद्रीय विद्यालय हैं एक नवोदय विद्यालय है और दो कस्तूरबा गांधी बा, बालिका विद्यालय भी है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों उस संगठन का नाम बताइए जिसे हाल ही में इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसारमेंट डिसमामेंट एंड डेवलपमेंट से सम्मानित किया जाएगा तो दोस्तों प्रथम को सम्मानित किया गया प्रथम को सम्मानित किया गया है ओके वेरी गुड तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी की उपस्थिति में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ रुक्मणी बनर्जी को यह अवार्ड दिया गया है रुक्मणी बनर्जी को यह अवार्ड दिया गया है ओके दोस्तों हाल ही में 2023 का विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है तो विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड अंगराज खिल्लन को दिया गया है किसको दिया गया है अंगराज खिल्लन को दिया गया है दोस्तों दोस्तों उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिससे हाल ही में रियल इलेवन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है तो रियल इलेवन का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर कुलदीप यादव को बनाया गया है रियल इलेवन का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को बनाया गया है ओके दोस्तों कितने बार के चैंपियन जो जर्मनी के हैं मर्सिडीज़ ड्राइवर है ये दोस्तों इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है तो दोस्तों ये छह बार के चैंपियन है अबूधाबी ग्रां प्री में दोस्तों दसवें नंबर पे आने के बाद इन्होंने दोस्तों जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है दसवें नंबर पे आने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है ठीक है उनकी पहली जीत 2008 की इटालियन ग्रापी थी और आखिरी जीत 2019 में सिंगापुर ग्रापी थी उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है नहीं जीता ठीक है दोस्तों वर्ल्ड फिशरीज डे जो 21 नवंबर को मनाया जाता है इस मौके पर दोस्तों क्या क्या बात बातें सही हैं तो दोस्तों नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव को दोस्तों यहां पे जो है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया ठीक है जिसमें छत्तीसगढ़ को दोस्तों बेस्ट स्टेट इनलैंड अवार्ड दिया गया और उदलगिरी आसाम को दोस्तों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न अवार्ड दिया गया है तो बिल्कुल यहां पे दोस्तों सारे पॉइंट सही हैं सारे पॉइंट दोस्तों यहां पे सही हैं ओके दोस्तों अभी नेशनल ये जो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इसने हरियाणा को भी कोई अवार्ड दिया था क्या आप उसका बता सकते हैं हरियाणा को इन्होंने कौन सा अवार्ड दिया था दोस्तों साल में पहली बार अमेरिका बीस साल में पहली बार अमेरिका से किस देश के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एक्स रॉकेट में लॉन्च किया गया तो दोस्तों इधर दुनिया में अमेरिका और रशिया आपस में लड़ रहे हैं यूक्रेन उसकी पिस रहा है गेहूं के साथ घूं और यहां पे रशिया के अंतरिक्ष यात्री को अमेरिका भेज रहा है चार क्रू मेंबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं दोस्तों जिसमें से एक रशिया का भी है ठीक है दोस्तों उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी किंटर कार्डन योजना शुरू की है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कस्तूरी रंगन साहब उसके हेड कमिटी के बालवाड़ी किंडर गार्डन जो है दोस्तों ये जो है योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की है बालवाड़ी इन्होंने शुरू की है दोस्तों बालवाटिका वो किसने शुरू की है बाल वाटिका किसने शुरू की है बताइए बाल वाटिका दोस्तों किसने शुरू है दोस्तों कर्मयोगी प्रारंभ तो कर्म प्रारं किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया एक पाठ्यक्रम है तो दोस्तों कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया एक पाठ्यक्रम है तो दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट इम्प्लॉइज के लिए अभी आपको पता है कि दोस्तों इकहत्तर हजार लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार मेले में रोजगार अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए तो इनको शुरू में ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका नाम है कर्मयोगी पाठ्यक्रम ठीक है कर्म योगी पाठ्यक्रम मोदी जी ने सबको जो है कि दोस्तों पॉइंट में लेटर दिया है 2022 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की होस्टिंग किस शहर ने की है दोस्तों तो ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की होस्टिंग जो है वो नई दिल्ली ने की है वो नई दिल्ली ने की ओके हाँ बालवाटिका वाटिका उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है <coughs> दोस्तों किस एशियाई देश ने हाल ही में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है इंडिया ने इंडिया ने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी की है दोस्तों सुसाइड मोर्टेलिटी यानी कि आत्महत्या मृत्यु दर को दस परसेंट ये कम करना चाहते हैं 2030 तक 2030 तक ये कम करना चाहते इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है प्रोफेसर गोपाल अचंता जो है सातवें इंडियन है जो इसके मेंबर बने हैं इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड दोस्तों नवंबर में आरबीआई द्वारा जारी एक इंडियन स्टेटिस्टिक्स हैंडबुक पर दोस्तों जो है एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक ग्रिड इंटरेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है तो सबसे ज्यादा कर्नाटक के पास क्षमता है दोस्तों यानी कर्नाटका हैज़ इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरेक्टिव हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरेक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया कैपेसिटी कितनी है दोस्तों तो कैपेसिटी है फिफ्टीन मेगावाट पंद्रह हजार चार सौ तिरसठ मेगावाट दोस्तों इसकी कैपेसिटी है तो ये आरबीआई द्वारा जारी की रिपोर्ट है दोस्तों तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आरबीआई ने जारी किया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों निम्नलिखित में में से किस बैंक ने हाल ही के लिए ज्ञान शिखर सम्मेलन इवॉल्व के सातवें संस्करण का शुभारंभ किया विच ऑफ द फॉलोइंग दैंक रिसेंटली लॉन्च द सेवेंथ एडिशन ऑफ नॉलेज सबमिट इवॉल्व फॉर एमएसएमई तो दोस्तों यहां पर जो है पेटीएम पे बैंक जो है पेटीएम बैंक जो है दोस्तों इसने जो है नॉलेज इवॉल्व का एमएसएमई के लिए एडिशन को लॉन्च किया है ठीक है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने दोस्तों ज्ञान शिखर सम्मेलन इवॉल्व को इसको बार बार मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग दोस्तों इसको याद कर लें कि एक्सिस बैंक ने सबमिट लॉन्च की है इवॉल्व के नाम से किस नाम से इवॉल्व के नाम से थीम क्या है क्योंकि ये बैंक है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडियन एस एम गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ठीक है दोस्तों केबीआईसी के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है खादी और विलेज ग्रामोद्योग आयोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के दोस्तों सीईओ के रूप में विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया किसको अपॉइंट किया गया है विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया है ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों विनीत कुमार 2018 से 2020 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के हेड के रूप में काम कर चुके हैं तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट डेढ़ सौ साल जब पूरे हुए कोलकाता पोर्ट के तो इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया तीन साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों सुब्रत कुमार को अपॉइंट किया गया सुब्रत कुमार को अपॉइंट किया गया ओके दोस्तों चेन्नई की मैट्रिक्स बिजनेस ने जो है पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने दिया है चेन्नई की मैट्रिक्स बिजनेस को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी को मिला है फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कार्लोस सौरा को जो कि स्पेन की डायरेक्टर हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल के लिए गोल्डन अवार्ड एन की यूपी की ऊंचा हार टीम को मिला है अभ्योदय टीम को दोस्तों सुमित्रा चरत राम अवार्ड जो है कथक डांसर उमा शर्मा को मिला है ठीक है और दोस्तों दलाई लामा जो बुद्धों के बुद्धिस्टों के गुरु हैं तिब्बतन धर्म गुरु हैं उन्हें गांधी मनीला अवार्ड मिला है कुछ दिन पहले इन्हें लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान भी दोस्तों इनको मिला था दोस्तों दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड से दोस्तों ए पी श्रीधर को सम्मानित किया गया इसी अवार्ड फंक्शन में स्टार्टअप अवार्ड रेजर पे को दिया गया था जो आपके परसों के एग्जाम में आया था जो आपके दोस्तों संडे वाले एग्जाम में आया था ना 26 तारीख वाले एग्जाम में सैटरडे वाले एग्जाम में आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में ठीक है तो दोस्तों म्यूजियम मेकर हैं एपी श्रीधर उन्हें इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड मिला है ठीक है तो दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के भी क्रिएटर यही हैं ठीक है ओके बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों कम्युनिकेशन कैटेगरी में किस कंपनी को सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है तो कम्युनिकेशन कैटेगरी में दोस्तों यहां पे प्रोडक्ट को दिया गया सेल्स फोर्स के पार्टनर का अवार्ड प्रोडक्ट को दिया गया है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार की मेजबानी हर साल वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा हमेशा की जाती है पंद्रह अक्टूबर को दोस्तों डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है ठीक है स्टूडेंट्स डे के रूप में किसके रूप में स्टूडेंट्स डे के रूप में, में मनाई जाती है जकार्ता इंडोनेशिया में कराटे वन सीरीज ए में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन बन गए पहले इंडियन फर्स्ट इंडियन कराटे में पहला जो है गोल्ड ये लेके आए हैं प्रणय शर्मा दोस्तों अभी जूडो में एक गोल्ड लेके आई है पंद्रह साल की बच्ची मणिपुर की उसका नाम बता सकते हैं तो कह रहे तुम लोग कहोगे सर इजी नाम तो आप बता देते हैं प्रणय शर्मा टफ नाम हमसे बोल देते हैं अब वो नाम हमको बोला ही नहीं जाएगा तो ऐसा मत सोचो तुम लोग बोलने की कोशिश करो क्योंकि तुम लोग को तो लिखना है दोस्तों इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इंडेक्सेस में कम क्यों होती जा रही है इस पर जो है एक वर्किंग पेपर जारी किया है दोस्तों प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने यानी कि दोस्तों जो है आर्थिक सलाहकार परिषद जिसके हेड है विवेक देव रॉय जिसमें सुरजीत भल्लाशीमा गोयल रतन पी वटल सुमित सान्याल जैसे एक से एक अर्थशास्त्री यहां पे रहते हैं इस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में ठीक है दोस्तों इक्कीसवीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी मुंबई में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने की थी आईसीए ने आईसीए नाइनटीन फोर्टी नाइन को एक जुलाई को आया था इसलिए उस दिन हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं क्वेश्चन लास्ट मंथ ईयर पूछ चुका एग्जाम में दो, दो, दोस्तों ये जो मुंबई में हुई है इसकी थीम क्या थी दोस्तों इसकी थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी दोस्तों इसकी थीम थी वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों किस बैंक ने नवंबर में अटल पेंशन योजना के तहत मैक्सिमम इनरोलमेंट करा के सिग्निफिकेंट इनरोलमेंट करा करके पी एफ आर डी ए से नेशनल अवार्ड जीता है पी एफ आर डी ए से राष्ट्रीय अवार्ड जीता है तो दोस्तों इसका नाम है कश कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक समीना कह रही है लिंथोई चनम्बम नाम है बिल्कुल सही बात है जो जूडो में पहली बार भारतीय कोई गोल्ड जीत के लाया है वो है लिंथोई चनम्बम मणिपुर की लड़की है पी एफ आर डी ए ही पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है दोस्तों ए, एक अक्टूबर से ना एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में अब इनकम टैक्स पेयर्स को दोस्तों इंट्री करने की अनुमति नहीं मिलेगी अटल पेंशन योजना हो चाहे कोई भी पेंशन योजना हो एन हो कोई भी प्राइवेट हो सरकारी हो सबको पी एफ रेगुलेट करता है ठीक है अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र में 1000 से 5000 तक की पेंशन मिलती है ठीक है दोस्तों भारतीय वायुसेना का वायु उत्सव कहां आयोजित किया गया था दोस्तों इसे नागपुर में आयोजित किया गया था वायु उत्सव दोस्तों ये आयोजित किया गया था नागपुर में ठीक है क्लियर है एनुअल एयर फेस्ट एयर फेस्ट 2022 दोस्तों किस राज्य ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका का उद्घाटन किया है तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका का उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है यूपी में किया गया है ओके याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व ने जंबो ट्रोल ट्रेल्स शुरू किया है जिसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व में आगंतुकों को हाथियों वनस्पतियों और जीवों के बारे में शिक्षित करना है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व कहां स्थित है तो दोस्तों कोई भी मलाई नाम से है तो तमिलनाडु में स्थित है चाहे अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व हो मुडू मलाई हो मेगा मलाई हो यहां तक कि एक एलिफेंट रिजर्व भी यहां अभी इस साल बना है जिसका नाम है दोस्तों अगस्त मलाई क्या नाम है अगस्त मलाई नाम है ओके दोस्तों नई दिल्ली में भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो प्रगति मैदान में चौदह नवंबर को हर साल लगता है इस मौके पर दोस्तों इस ट्रेड फेयर में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया तो सरस आजीविका मेले का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है गिरिराज सिंह ने किया है दोस्तों ठीक है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से के आते कन्हैया कुमार को हरा के सांसद बने थे ठीक है राइट right. दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्वेश्चन था क्या हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत की फेस ऑथेंटिकेशन से यहाँ पे दोस्तों जो है सेविंग अकाउंट्स ओपन किया जाएगा पहले फिंगरप्रिंट से होता था सिर्फ फिंगरप्रिंट से हम लोग आधार ऑथेंटिकेट करते थे ये फेस से करेंगे दोस्तों हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में संगाई फेस्टिवल का उद्घाटन किया तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो मणिपुर में किया गया है कहां पे मणिपुर में दोस्तों संगाई फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है फिटनेस ऑफ वननेस ये इसकी थीम थी एकता का उत्सव ठीक है? दोस्तों अभी सीओपी ट्वेंटी सेवन मीटिंग जो है दोस्तों वो हुई है आपकी आ, मिश्र में सरब अल शेख में वहां पे क्या क्या हुआ इंटर सोलर अलायंस ने भी कमिटमेंट किया कि 2025 तक ये कर देंगे 2030 तक वो कर देंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे एक भारत की शुरू हुई इनिशिएटिव है कोलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियस एक्सीटर फंड जो है जारी किया गया इस महा मीटिंग के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मीटिंग होती है दो दोस्तों यहाँ पे जैसे इंडिया स्वीडन ने लीड आईटी समिट को होस्ट किया लीड आईटी समिट की शुरुआत दोस्तों इंडिया स्वीडन ने ही करी थी ठीक है दोस्तों टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर अर्बन डीकार्बनाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ठीक है दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे गलत है बी वाला क्योंकि इजिप्टियन सुगर और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री कंपनी के साथ टाइप जो है वो लार्सन एंड टूब्रो का नहीं हुआ है प्राज कंपनी का हुआ है किसका हुआ है प्राज कंपनी का हुआ है दोस्तों ठीक है इंडिया मोस्ट अकम्प्लिश्ड इंडस्ट्री बायोटेक कंपनी प्राज एंड इजिप्ट लार्जेस्ट सुगर सेक्टर कंपनी ई डबल आई सी हैव कम टूगेदर टू सेटअप फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोजेक्ट इन इजिप्ट तो दोस्तों इजिप्ट में जो है यहां पर मिश्र में यहां पे बनाया जा रहा है एथेनॉल प्लांट इथेनॉल प्रोजेक्ट ठीक है चलिए प्राज जो है दोस्तों हमारे यहाँ की कंपनी है दोस्तों किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन रिजर्व रखा गया है यानी एक दिन केवल महिलाओं के मुद्दे रहेंगे और महिलाओं को बोलने का मौका मिलेगा ये योगी आदित्यनाथ जी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है यूपी में उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं असेंबली में मेंबर्स हैं जिसमें से 47 सेवन हैं है फोर्टी कौन है दोस्तों वीमेन है ओके क्लियर है दोस्तों उस बीमा कंपनी का नाम बताइए उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जिसने हाल ही में प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक एड ऑन कवर लॉन्च किया है एड ऑन कवर क्या होता है दोस्तों एड ऑन कवर का मतलब होता है कि आपकी कार जब चलेगी तभी इंश्योरेंस होगा कैशबैक दे देंगे अगर कार खड़ी रही तो इंश्योरेंस का कैशबैक दे देंगे तो दोस्तों ऐसी पॉलिसी कोटैक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च करी है कोटैक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च करी है ठीक है कोटेक मीटर लॉन्च किया इन्होंने स्विच ऑन स्विच ऑफ जिसमें पॉलिसी होल्डर को अलाउ किया जाता है कि वो इंश्योरेंस कवर को पॉज कर दे जब व्हीकल इज आइडल यानी जब गाड़ी खड़ी हो जा रही है तो उसको भी ऑफ कर दो तो दोस्तों फॉलोइंग द लॉन्च कोटेक जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स टू बिकम इंडिया फर्स्ट कंपनी उसने दावा किया है भारत की पहली कंपनी होने का टू ऑफर अ कैशबैक जो कि कैशबैक देगी वाया एन एड ऑन फॉर प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी तो दोस्तों ये एड ऑन है कवर जिसमें आप ले लेते हैं तो आपको उतना ही पैसा देना है जितने देर कार चल रही क्योंकि कार पड़े पड़े तो कुछ जो होगी नहीं तो एक्सीडेंट के लिए होगी तो बस सीधी सी बात है दोस्तों किस बैंक ने हाल ही में एन ग्राहकों के लिए दो नए प्रोडक्ट लोन अगेंस्ट डिपॉजिट और डॉलर बॉन्ड लॉन्च किए हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और डॉलर बॉन्ड दोस्तों आईसीआई बैंक ने लॉन्च किए आई बैंक से रिलेटेड अभी दोस्तों परसों क्वेश्चन आया था शायद ऑटो इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया ऐसा कुछ आया था तो दोस्तों उसका आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने लॉन्च किया था सबसे पहले ऐसा भी क्वेश्चन आया आज भी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी मैंने पढ़ाया था कि कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है लेकिन जो पहला लॉन्च किया था दोस्तों वो एच डी एफ सी ने लॉन्च किया था ठीक है तो दोस्तों ये गिफ्ट सिटी है जहां पे विदेशी कंपनियां बहुत आ रही हैं तो वहां पे दोस्तों जो है आईसीआईसी बैंक बैंकिंग शुरू कर दिया है जिसे ऑफशोर बैंकिंग कहेंगे क्योंकि तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप बैंकिंग करते हैं तो वो ऑफशोर बैंक कहलाते हैं तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट फॉरेन करेंसी के जो डिपॉजिट्स हैं उस पर मिलेगा एनआर एफ पर और दोस्तों डॉलर बॉन्ड भी दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें कि कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनआरआईज के लिए कि वो डॉलर बॉन्ड अपना आईसी बैंक के थ्रू खरीद ले ठीक है और दोस्तों इससे उनको फायदा ये होगा कि भाई डॉलर के रेट जो फ्लक्चुएट होते हैं तो उनका नहीं होगा और वो क्योंकि फॉरेन में रहते हैं तो उनको डॉलर में ही काम करना है तो वो आपके देश में भी डॉलर में ही निवेश रखना चाहते हैं ठीक है थीके? दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऊंचा हार के अभ्योदय ने सैतालीसवें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल में गोल्ड अवार्ड जीता है अभ्योदय किस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी कंट्रोल टीम है तो अभ्योदय दोस्तों जो है ये एनटीपीसी की आ, आ, क्वालिटी कंट्रोल टीम है एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन गुरदीप सिंह हेड है और 1975 में आई थी दोस्तों दिल्ली हेडक्वार्टर है सात नवंबर को दोस्तों एन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है दोस्तों किस देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्माता पे, पेगा भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल सप्लायर या मैन्यूफैक्चरर बन गया है ठीक है दोस्तों एप्पल यहाँ पे पहले से तीन कंपनियाँ बनाती हैं तो अब दोस्तों ताइवान की कंट्री भी कंपनी भी इंट्री कर गई है ताइवान की कंपनी ने कहा है पेगाट्रॉन ने कि आईफोन भारत में हम बनाएंगे उसके पहले फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जो एप्पल आईफोन बनाती है वो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी इंटर कर चुकी है तो दोस्तों यहाँ स्टालिन जी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये जो है बहुत इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है राजू चंद्रशेखर ने चेन्नई के पास महेंद्र वर्ल्ड सिटी में दोस्तों कारखाने का उद्घाटन भी किया है तो दोस्तों यहाँ पे जो है उस कंपनी का नाम आ रहा है ताइवान का तो ताइवान की कैपिटल ताइपे है ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है और चाइना की वो दोस्तों हमेशा यहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप की चलाता रहता है दोस्तों भारत इंडोनेशिया युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति का कौन सा एडिशन हुआ है जो इंडोनेशिया के पश्चिम जावा में हुआ है दोस्तों जावा सुमात्रा बाली ये सब वहां के प्रमुख जो है द्वीप हैं बहुत बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है ठीक है तो यहां पे दोस्तों आठवीं जो है ये मीटिंग हुई है गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति दोस्तों इंडोनेशिया के साथ लेकिन गरुड़ जो है वो भारत का रशिया के साथ होता है दोनों नेवी का ही होता है वरुण जो है रशिया के साथ अरे सॉरी फ्रांस के साथ गरुड़ फ्रांस के साथ और वरुण भी फ्रांस के साथ ठीक है वेरी गुड दोस्तों बोत्सवाना में कोयला आधारित बिजली प्लांट बनाने के लिए किस कंपनी ने निविदा जीती यानी कौन सी कंपनी बोत्सवाना में बनाने जा रही है पावर प्लांट तो दोस्तों ये जिंदल स्टील एंड पावर बनाने जा रही है ठीक है जिंदल स्टील के हेड कौन है सावित्री जिंदल हैं दोस्तों जो कि इंडिया की सबसे अमीर महिला बोत्सवाना की कैपिटल है गार्बोरोन करेंसी है बोत्सवाना पुला और प्रेसिडेंट है मोक सी मासिस ठीक है वेरी गुड दोस्तों डब्ल्यू और यूएन यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सी के आ, अनुसार दोस्तों कोविड नाइन्टीन के दौरान बहुत लोग जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाने नहीं गए इसकी वजह से दोस्तों जो है करीब करीब 40 मिलियन चार करोड़ बच्चों ने खसरे के टीके की खुराक नहीं ली है यानी कि मिसल्स की खुराक नहीं ली है दोस्तों याद रखिएगा ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड दोस्तों तीन साल के लिए ए आई सी टी ई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ ए आई सी टी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसके हेड के रूप में दोस्तों टी जी राम को चुना गया दोस्तों टी राजा राम एफ ए टी एफ के हेड है और टी जी सीताराम ए आई सी टी ई के ए आई सी टी ई ने अभी दोस्तों अपना जो है एक मेटावर्स भी लॉन्च किया था एजुकेशन का जिसे कि कियावर्स कहा जा रहा है जिसे पोलीवर्सिटी कहा जा रहा है किया वर्स तो बैंकिंग का मेटावर्स है ठीक है दोस्तों फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो ये दोस्तों राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह पवार को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओके क्लियर है फिक्की के हेड कौन है दोस्तों फटाफट बताइएगा तो फिक्की के हेड जो है वो है सुब्रकांत पांडा नए हेड कौन है मेरे भाई सुब्रकांत पांडा है ओके दोस्तों डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा कौन है डेबिट कार्ड का मार्केट में सबसे बड़ा इशूअर ये दोस्तों एस है और क्रेडिट कार्ड का दोस्तों एच है क्रेडिट कार्ड का एच है दोस्तों कौन सा शहर सी की क्लाइमेट एक्शन लिस्ट में टॉप पर रहने वाला साउथ एशिया का पहला शहर बन गया है तो दोस्तों मुंबई जो है यहां पर क्लाइमेट एक्शन सिटी के दोस्तों जो है टॉप पर रहने वाला एकमात्र एशियाई शहर है दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट ने किस देश को आतंकवाद के स्टेट स्पॉन्सर के रूप में दोस्तों डिजिग्नेट किया है तो दोस्तों यहां पर रशिया को इन्होंने अपना स्टेट स्पॉन्सर मान लिया है पूरे यूरोपियन यूनियन ने पूरे यूरोपियन पार्लियामेंट ने दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन के ग्लोबल इंप्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे के अनुसार कौन सी इंस्टीट्यूट अट्ठाईसवें स्थान पर रह करके पूरी दुनिया में जो है टॉप 28वें स्थान पर रह करके दोस्तों एक स्थान बनाया है वो भारतीय विश्वविद्यालय अट्ठाईसवें नंबर पे दुनिया में भारत में पहले नंबर पे है उसका नाम है आई दिल्ली आई दिल्ली दोस्तों उसका नाम है पहले नंबर पे मेसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है दूसरे पे कैलिफोर्निया है तीसरे पे हार्वर्ड है ये तीनों यूएस की हैं ऑक्सफोर्ड जो है दोस्तों ये यूके की है जो छठवें पे है पाँचवें पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यू का और चौथे पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यू की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दोस्तों अभी जो है होमर को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और कोलिज डिक्सनरी ने परमा क्राइसिस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो अनवर इब्राहिम दोस्तों मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने किसके मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों मलेशिया की कैपिटल क्वालमपुर है जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी ऑफिस खोली है गरुड़ एरोस्पेस ने अपनी फैक्ट्री ओपन करी है ड्रोन की दोस्तों वाइल्ड लाइफ समिट हैज अडॉप्टेड इंडिया प्रपोजल फॉर इनहेंस्ड प्रोटेक्शन ऑफ विच टर्टल स्पीसीज वन्य जीव शिखर सम्मेलन ने किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को मान लिया है तो दोस्तों ये जो है लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल के संरक्षण के प्रस्ताव को अपनाया गया है ओके टर्टल यानी कछुआ है ना तो पनामा में चल रहा है दोस्तों विश्व वन्य जीव सम्मेलन दोस्तों कौन सा फुटबॉलर फाइव वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया विच फुटबॉलर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन फाइव वर्ल्ड कप तो दोस्तों ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पोर्टुगल के जो पांच वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और दोस्तों करीब सैतीस साल की उम्र में दोस्तों ये गोल करने वाले भी व्यक्ति हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका है दोस्तों तीन सौ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली लड़की को अभी महाराष्ट्र ने कौन सा सम्मान दिया है फटाफट बताओ आज सुबह पढ़ाया था मैंने दोस्तों पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को अपॉइंट किया गया नामित किया गया लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को असीम मुनीर को दोस्तों अपॉइंट किया गया ओके दोस्तों हाल ही में भारत भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत नौ सूचीबद्ध रूटों को इकहत्तर हजार से अधिक नियुक्ति पत्र किसने विस्तारित किए हैं दोस्तों तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इकहत्तर हजार से लोगों को अधिक लोगों को पद में लेटर दिया पैंतालीस स्थानों पर दोस्तों अलग अलग और विभागों ने दोस्तों यहाँ पर किया है दोस्तों अभी पिछले हफ्ते पच्चीस हजार लोगों को दिया गया दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा है 2024 तक दस लाख लोगों को ऐसे ही ये देते चले जाएंगे दोस्तों तमिलनाडु के मदुरई में अरिटापल्ली को दोस्तों जो है जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के रूप में चुना गया है ये तमिलनाडु का पहला है लेकिन भारत का पैंतीसवां जैव विविधता विरासत स्थल है पैंतीसवा जैव विविधता विरासत स्थल है ठीक है क्लियर कार्तिक करे सर पाकिस्तान की न्यूज मत बताइए लो अभी एग्जाम में तुम्हारे पिछले महीने आया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए शहबाज शरीफ लोग इमरान खान टिक करके आ गए थे क्योंकि कई लोगों ने कहा था पाकिस्तान की न्यूज मत बताइए तो हम नहीं बताए थे तो लोग इमरान खान टिक करके आ गए थे इसलिए हम बताने लगे दोस्तों किस बैंक ने हाल ही में एन के लिए डिपॉजिट प्लस नामक एक जमा योजना शुरू की है तो दोस्तों डिपॉजिट प्लस जो है एन के लिए जो शुरू किया है ये फेडरल बैंक ने शुरू किया है फेडरल बैंक योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर श्याम श्रीनिवासन हेड है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया था शहबाज़ शरीफ भी मैंने बताया है बहुत बार बताया शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है ठीक है तो दोस्तों याद रखेंगे ओके दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में एन पेमेंट बैंक और वीजा के सहयोग से टैप टैप लॉन्च किया है तो दोस्तों एन पेमेंट बैंक और वीजा के सहयोग से टैप टैप लॉन्च किया है बिल बॉक्स ने किसने लॉन्च किया मेरे भाई बिल बॉक्स ने लॉन्च किया है ठीक है याद रहेगा वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त एन नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड ने दोस्तों पेमेंट बैंक का भी लाइसेंस लिया था वैसे इसका मेन काम है एन का आपके जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी जो है डिपॉजिटरीज उसका पूरा डेटा इसके पास होता है दोस्तों विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड पार्टनर्ड विथ एरेम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट छत पे आपको सोलर पैनल लगवाना है तो उसके लिए लोन आपको चाहिए तो एर एम सोल्यूशन के साथ टाइप किया है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने यानी कि एर एम सोल्यूशन का अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फाइनेंस कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा आपको फाइनेंस कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व हेड एस एस मुंद्रा और आर बी आई के डिप्टी गवर्नर दोस्तों वो बन गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा नाम से एफडी लॉन्च करी थी तिरंगा नाम से एफडी लॉन्च करी थी दोस्तों ठीक है केरल के, के कोच्चि में अपनी समर्पित मिड कॉर्पोरेट शाखा इन्होंने खोली है दोस्तों उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडियन पे, पेयर्स को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शुल्क डिजिटल रूप से भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए फ्लाई वेयर के साथ पार्टनरशिप करी है नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद फ्लाई वायर कारपोरेशन टू इनेबल इंडियन पेयर्स टू पे इंटरनेशनल एजुकेशन फीस डिजिटली टू पे इंटरनेशनल एजुकेशन फीस डिजिटली तो दोस्तों एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक ने दोस्तों जो है अभी फ्लाई वायर के साथ पार्टनरशिप करी है इंडियन पेयर्स को इंटरनेशनल एजुकेशन फीस डिजिटली पे करने के लिए ठीक है चलिए दोस्तों अगर एच बैंक की बात की जाए तो शशिधर जगदीशन इसके हेड है और 1994 में आई थी और वी अंडरस्टैंड वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है दोस्तों भारत के उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे नवंबर में आंत्रप्रनियर रियल आंट्रप्रियल विजन कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है कहां पे है मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में ओके नैरोबी केन्या में है नैरोबी केन्या में दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो पांच जून को आई थी दोस्तों 1972 में इसको 50 साल पूरे हो गए हैं दोस्तों और पांच जून को हम लोग पांच जून को पांच जून को दोस्तों हम लोग मनाते हैं इन्वायरमेंट डे इसी के स्थापना दिवस पे इसी के स्थापना दिवस पे हम लोग इनवायरमेंट डे मनाते हैं दोस्तों जिसकी इस बार थीम थी ओनली ओनली वन वन इसकी थीम थी दोस्तों इन्वायरमेंट डे की इनवायरमेंट डे की थीम थी ओके okay? और दोस्तों चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यही देती है जो विद्युत मोहन को दे चुकी है कोचीन एयरपोर्ट को दे चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए के स्थापना के लिए मोदी जी को दे चुकी है उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर शुरू किया था तो फ्रांस के थे उस समय शायद फ्रांसिस होलानदे उनको दी थी और भारत के मोदी जी को दी थी ठीक है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड अभी जो है दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को मिल गया पूर्णिमा देवी वर्मन को दोस्तों ये अवार्ड मिला है ठीक है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं क्या क्या, क्या क्या काम है भैया इनका कहाँ गई कंजर्वेशनलिस्ट है इंटरप्राइज है इकोनॉमिस्ट है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट भी बात समझ में आ रही है तो दोस्तों ग्रेटर एडजुडेट स्टार्क को विलुप्त होने से बचाने के लिए दोस्तों वो जो जमीनी स्तर पर हरगीला आर्मी भी बना करके चलती है और केवल दोस्तों असम और बिहार नहीं कंबोडिया जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों में आर्द्र भूमि में दोस्तों ये जो है पांच फुट के पक्षी हैं जो रहते हैं जिनको बचाने के लिए दोस्तों ये जो है लगी रहती है दोस्तों स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के अनुसार जो है दोस्तों मेटल और माइनिंग सेक्टर में पहली पोजीशन पे कौन है लगातार चौथे साल से एशिया पैसिफिक में तो दोस्तों लगातार जो है मेटल और माइनिंग सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक टॉप कर रहा है लगातार जो है दोस्तों विश्व स्तर पर इसे तीसरा स्थान दिया गया है और एशिया पैसिफिक में इसे पहला स्थान दिया गया ग्लोबली इसे तीसरा स्थान दिया गया हिंदुस्तान जिंक को दोस्तों जिंक और सिल्वर ऑफ इंडिया ओके क्लियर है जिंक हिंदुस्तान जिंक दोस्तों जो कि राजस्थान के उदयपुर का है उसे मेटल और माइनिंग सेक्टर में दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ने सरकारी बैंकों में दोस्तों ईडी e के दस सरकारी बैंकों में दस ईडी अपॉइंट किए हैं तो दोस्तों कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं तो ये तीन साल के लिए अपॉइंट किए गए कितने साल के लिए तीन साल के लिए दोस्तों अपॉइंट किए गए हैं ओके देखा जाए कौन कौन अपॉइंट हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक में संजय विनायक मुडलियार अपॉइंट हुए हैं ललित त्यागी दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अपॉइंट हुए हैं विनोद कुमार दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में अशोक चंद्रा दोस्तों कैनरा बैंक में एस राम सुब्रमण्यम यूनियन बैंक में और परम शिवम जो है पीएनबी में दोस्तों और सुब्रत कुमार बैंक ऑफ इंडिया में और महेश कुमार बजा इंडियन बैंक में एम वी मुरली कृष्णन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और राजेंद्र कुमार साहू जो है वो यूको बैंक में अपॉइंट हुए हैं ठीक है ये पब्लिक सेक्टर बैंकों से याद आया कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जहां पे सी के अपॉइंटमेंट दोस्तों अब 10 साल के लिए हो सकेंगे 10 साल के लिए हो सकेंगे 60 साल जो है इसकी रिटायरमेंट एज है पांच प्लस पांच पांच साल का कार्यकाल होगा पांच साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है आरबीआई से कंसल्टेशन के बाद ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों किस कंपनी में एल ने अपनी हिस्सेदारी फोर परसेंट से बढ़ा के सिक्स परसेंट कर दी है यानी फोर पॉइंट एट से सिक्स पॉइंट एट कर दी है तो दोस्तों टेक महिंद्रा में जो है एल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है टेक महिंद्रा दोस्तों आनंद महिंद्रा की कंपनी है है ना महिंद्रा की बहुत सारी कार भी आती है दोस्तों आनंद महिंद्रा अभी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी दोस्तों अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल बोर्ड में भी अपॉइंट हुए हैं ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों इसरो ने तुरंत तिरुअनंतपुरम केरल से रोहिणी आर एच टू हंड्रेड साउंडिंग रॉकेट का लगातार दोस्तों कैवी बार सफल प्रक्षेपण किया है तो दोस्तों दो सौवीं बार सफल प्रक्षेपण किया दो सौवीं बार सफल प्रक्षेपण किया है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है फिफ्टीन अगस्त 1969 1980 में उसने इंडियन रॉकेट से रोहिणी को पहली बार दोस्तों रोहिणी नाम के सेटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था अर्जुन पुरस्कार विजेता गुलाम अब्बास मुंतसिर का दोस्तों नवंबर में निधन हो गया उन्हें किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया तो उन्हें बास्केटबॉल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया बास्केटबॉल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था दोस्तों इनका निधन हो गया है अर्जुन अवार्डी गुलाम अब्बास मुंतसिर जी का ठीक है दोस्तों अभी बेसबॉल के जो है एक टर्म को वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है दोस्तों महाराष्ट्र के किस शहर में सहयाद्री सहयाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को अंगूर के लिए पहली बार निजी कृषि मंडी शुरू करने की अनुमति मिली है या फिर कह लीजिए तो सहयाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी बना रही है दोस्तों ग्रेप्स की यानी अंगूर की तो महाराष्ट्र के किस शहर में पहली प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी बन रही है तो दोस्तों यहाँ पे नासिक में बन रही है ठीक है नासिक में बन रही है यानी कि दोस्तों अभी प्राइवेट रॉकेट हम लोग ने देखा कि विक्रम एस रॉकेट हैदराबाद के स्काई रूट ने भेजा दोस्तों जो कि एक इतिहास हो गया है ना जिसे इन स्पेस ने अप्रूवल दिया था पवन गोयनका की अहमदाबाद वाली ने और पवन चंदाना की स्काई रूट ने उसे भेजा था दोस्तों जो कि आई की नौकरी छोड़े थे नागा भारत डाका पवन चंदाना 2018 में स्काई रूट को शुरू किया था हैदराबाद में और दोस्तों इन दोनों आई ने जो है अठारह तारीख को सुबह साढ़े बजे विक्रम एस रॉकेट भेज के दोस्तों पहली प्राइवेट कंपनी द्वारा पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा रॉकेट भेज के इतिहास रच दिया विक्रम एस विक्रम सारा भाई के नाम से रखा गया जो कि इसरो के फाउंडर थे और इंडियन स्पेस साइंस के जनक थे इसरो के पहले हेड थे तो दोस्तों याद रखेंगे ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त मजा आ गया दोस्तों ऐसे ही एग्रीकल्चर मंडी होती है जो जिसे ई नाम कहा जाता है दोस्तों एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक मंडी ऑनलाइन मंडी जो होती है उसे ई नाम कहा जाता है ई नाम का फुल फॉर्म बताइए ई नाम का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों आप लोग तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग ने करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया वीकली और वीकली कंप्लीट हो जाता है तो उसकी पीडीएफ में भेज देता हूं जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम पे तो कल इसलिए नहीं भेज पाया था क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ था कल एक पार्ट हुआ आज दूसरा पार्ट हुआ तो दोस्तों अब मैं इसको भेज दूंगा अभी से पांच मिनट के बाद आपके पास पहुंच जाएगा ठीक है अभी से पांच मिनट के बाद आपके पास पहुंच जाएगा तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं क्योंकि जीए जीके जीएस का वन स्टॉप सेंटर है और दोस्तों जहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट बच्चे करके आ रहे हैं ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे पूरी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है लेकिन दोस्तों अमूल्य कंटेंट है डेप्थ वाली कंटेंट है जाके अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए अपने मेंस की तैयारी करिए अपने हर एग्ज़ाम की तैयारी करिए जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है ठीक है ओके बात समझ में आ गई चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त बाय टेक केयर लव यू ऑल बाय